कभी कभी हमें अपने क्लाइंट से कुछ इस तरह से अलग अलग कट पीस में कपड़ा रिसीव हो जाता है जिसमें हमें बनाना होता है पटियाला सलवार। तो जब हमारे पास कस्टमर आता है वो अपना मेजरमेंट दे के जाता है या सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद जैसे हम कपड़ा देखते हैं तो वो इस तरह से अलग अलग पीसों में कट हुआ हुआ मिलता है। तो ऐसी परिस्थिति में भी हमारा जो है नॉर्मल सलवार जो है निकल आता है। हमें जब बहुत ज़्यादा पटियाला सलवार चाहिए होता है तो उसके लिए 5-6 मीटर कपड़ा तो चाहिए ही होता है। उसमें हमारा जितना ज़्यादा कपड़ा होगा उतना ज़्यादा घेर होता है हर किसी चीज़ में, चाहे आप कोई ड्रेस बनाओ, कोई अम्ब्रेला फ्रॉक बनाओ या कुछ भी बनाओ या पटियाला सलवार बनाओ, जितना ज़्यादा कपड़ा उतना ज़्यादा घेर, जितना कम कपड़ा उतना कम घेर। तो इसमें भी हमारा नॉर्मल सलवार जो है पटियाला सलवार वो निकल ही आता है। इस तरह से हमारे दो अलग अलग टुकड़े होने के बाद भी हमने कुछ इस तरह से उसका इस्तेमाल किया। अभी देखो जो हमारा एक पीस था उससे हमने ये जो बीच के ये कुंदे होते हैं वो और बेल्ट हमने निकाल लिया। इस तरह से यहाँ से हमारा ऐसे कपड़ा था, हमने प्रॉपर जो है अपनी लंबाई रखी। आपको मैं इसी वीडियो में अपना जो पटियाला सलवार काटने का मेथड है वो बता रही हूँ। कई तरह के अलग अलग बहुत सारे तरीके होते हैं पटियाला सलवार काटने के, लाइन वाले अलग तरीके से काटते हैं जिसमें फूल बने हैं उसको अलग तरीके से काटना होता है, जिसमें यहाँ पे मोहरी पे वर्क बना होता है उसको अलग तरीके से काटना है। जैसा कपड़ा वैसी उसकी कटिंग, बहुत ही ज़्यादा तरीके होते हैं पटियाला सलवार को कटिंग करने के। तो हमने अपनी पूरी लंबाई रख ली अपनी सलवार की, जैसे आपको जितना भी आपको सलवार लंबा लगता है उस पर आप 4 इंच एक्स्ट्रा तो रख ही लोगे। 4 इंच एक्स्ट्रा रखने को क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि 1 इंच तो रखना ही रखना होता है। जैसे 36 हमारी सलवार की लंबाई होती है तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा तो रखोगे रखोगे, आधा यहाँ आधा वहाँ आपका दबेगा। तो उस पर भी आप 2 से 2.5 इंच, जैसे ये 36 आपकी यहाँ पे आ रही है तो 1 इंच एक्स्ट्रा रख लिया, 2 से 2.5 इंच आपको जब आप उसी में मोहरी मोड़ते हो तो आप उसको रख लोगे। अगर अलग सा कपड़ा लगाते हो तो नहीं रखोगे। तो मैं इसी में मोड़ती हूँ मोहरी, तो मैंने वो भी रख लिया। उसके बाद जो भी आपकी लंबाई है उसमें से आप अपने बेल्ट की लंबाई कम कर लोगे। आप जितना इंच की भी बेल्ट पहनना चाहते हो, 6 इंच 7 इंच, तो अभी मेरा जो है 7 इंच का बेल्ट है उस पर मैंने ये नेफा मोड़ने का भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख लिया, तो ये बेल्ट कम कर लिया मैंने पूरा 9 इंच। उसके बाद हमारे बीच के जो ये कुंदे हैं ये निकल रहे हैं 32.5 इंच या 32 इंच की। उसके बाद आपकी जो भी ये मोहरी है, जैसे हमें 6 इंच मोहरी चाहिए रेडी, तो आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख के उसको ऐसे क्रॉस मिला लोगे, क्योंकि मोहरी तो हमारी ऐसी होती ना, सिलाई तो पटियाला सलवार की ऐसी ही आएगी। तो उसके बाद हमने बेल्ट निकाल लिया, बेल्ट की ये जो लंबाई है ये 9 इंच निकाली है मैंने अभी, जो ये सिलेगा उसके बाद ये 7 ही इंच तैयार होगा, ठीक है। उसके बाद ये साइडों से एक्स्ट्रा ये ज्वाइंट लगेगा इसका, क्योंकि ज्वाइंट क्यों लगेगा, जब आपकी हिप्स, आप अपने हिप्स के अनुसार बेल्ट रखोगे, आपकी हिप्स की चौड़ाई 42 इंच है तो ये 21 इंच 21 × 42 हो गया, तो उसमें से भी आप 5 से 6 इंच एक्स्ट्रा रखोगे ही रखोगे, क्योंकि उतना लूज हमारा बेल्ट होता है। हमारा ये सिलने में भी जाएगा, यहाँ भी सिलने में जाएगा, तो आप 6 इंच एक्स्ट्रा उसको लोगे ही लोगे किसी भी बेल्ट में, किसी भी साइज का, किसी भी को 5 से 6 इंच आप एक्स्ट्रा बेल्ट की चौड़ाई जो है लोगे। एक पार्ट से हमारे कुंदे और बेल्ट निकल आया। हमारा जो दूसरा पार्ट था उससे हमने इस तरह से कलियां निकाल ली। तो ये कपड़ा हमारा कुछ इस तरह से था, जैसे हमारा ये काउंटर के हिसाब से कपड़ा होगा ना, तो हम उस कपड़े को एक साइड से अपने आसन रखेंगे, एक साइड से जो भी हमारी इसकी लंबाई है ये यहाँ पर से लेके यहाँ पर तक इसको रख लेंगे ऐसे। तो ये हमारा आ गया, और आसन की लंबाई अभी मैंने 9 इंच रखा है और 7 इंच का बेल्ट है, आप लगा लेना कि कितने इंच का हमारा आसन निकलेगा। तो ये हमने इस तरह से एक पार्ट ये हो गया, फिर इसी का दूसरा साइड निकलता है तो उसको हमने पलट के इस तरह से ये वाला साइड भी निकाल लिया। तो उस एक्स्ट्रा दूसरा जो पार्ट था उससे हमने ये पीछे के जो है कलियाँ निकाल लिए। तो इस तरह से जब हमारा यहाँ से ये चुन्नट बनेंगे और ये, तो इस तरह से ये हमारा सलवार बनेगा, उसमें से भी हमारा इतना कपड़ा बचा और दूसरे से हमारा ये बेल्ट जो है निकल आया। तो इस तरह से ये पटियाला सलवार की कटिंग होती है सिंपल। जब आपके पास अलग अलग टुकड़े हैं तो एक बहुत ही सरल तरीका भी होता है, उसको मैं किसी दूसरे वीडियो में समझाऊंगी, पटियाला सिंपल सलवार की कटिंग करना। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने प्रॉपर अच्छे से कटिंग बताई थी लेकिन पता नहीं वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, तो फिर मैं आपको पूरी कटिंग होने के बाद फिर समझा रही हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर दूसरे वीडियो में आपको दूसरी पटियाला सलवार की कटिंग बताऊँगी।